लादेन। लादेन, अच्छा पूरा नाम क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। तो क्या करते हैं आप लादेन जी? अरे सही बात है, नाम है जब प्रोटेस्ट में तो बताना। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम ओसामा बिन लादेन लिखो। प्रोटेस्ट में आप भी भाग ले रहे थे? नहीं, हम तो यही खड़े थे, ज्यादा तो पुलिस की तरफ से हो गया। अच्छा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी? आप लोग यहाँ पे थे ना, भीड़ भी इकट्ठा थे, तो उसमें आपको पता होगा ना कि ये क्यों यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी? एनआरसी को? एनआरसी क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? और एनआरसी क्या है और सीए भी क्या है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे? इतना प्रदर्शन हो रहा है तो सीए भी क्या है? पत्थर चले हैं तो सीए भी क्या है, बताइए हमें। ये बताएगा इधर आ। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं मजे नहीं। अरे नहीं, एक बार बताइए, भागी नहीं आप, बताइए ना सीए भी क्या है, आप बताइए। इसे फुल फॉर्म नहीं पता भाई, इसे कोई ना पूछो, फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं तो है क्या? फुल फॉर्म नहीं है तो है क्या सीए भी, ये बताइए, या एनआरसी, दोनों में से कुछ एक बताइए हमें कि क्या है, क्योंकि आप लोग भीड़ का हिस्सा है, पत्थरबाजी होती है या पुलिस से लड़ाई झगड़ा उसमें शामिल है, तो है क्या, किसके लिए आप इकट्ठा हुए हैं, ये तो पता होगा ना आपको भाई। जैसे सब हुए ना? अच्छा, जैसे सब हुए इसीलिए आप भी आ गए, ये नहीं पता है कि क्यों इकट्ठा हुए हैं, मतलब किस लिए ये प्रदर्शन हो रहा है ये आपको नहीं पता है? तुम्हें पता है किस लिए हो रहा है? जनता की सरकार की तरफ से आया था कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा सारे मुसलमान लोगों को। यहाँ जनता सरकार की तरफ से ये आया था कि यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, यहाँ से नहीं, जितने भी सारे मुसलमान। ये बात आपको किसने बताई? न्यूज पे आई थी। न्यूज पे? कौन से न्यूज चैनल पे आपने देखा? अच्छा, न्यूज पे आपने देखा कि सब सरकार बोल रही है कि यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल दिया और कैंप में रखा जाएगा। अच्छा, और कैंप में रखा जाएगा, ये कौन से न्यूज चैनल पे आपने देखा, ये नहीं पता है आपको? ठीक, तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? बादी तो बता दे, बादी तो बता दे। इस्माइल, क्यों हो यहाँ पे, क्यों इकट्ठा हुए थे तुम, इसके साथ आ गए? सारे मुसलमान भाइयों की तरफ से। अच्छा, सारी किस बात के लिए सारी मुसलमान भाइयों की तरफ? हमें अपना एनआरसी के चक्कर में हमें यही रहना है। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? सीएबी का फुल फॉर्म क्या है? ये मतलब भीड़ में चले आना है अभी 8। ऐसे पूछ लो, आपको नहीं पता, आप प्रदर्शन में गए, आपको पता ही पता, मगर हमको बोलने नहीं आ रहा ना। जंतर मंतर से क्या करने गए थे वहाँ? जो हमारे ऊपर लागू जो हुआ है। क्या लागू हुआ है? जो एनआरसी लागू किया है। अभी कहाँ लागू हुआ है? वो लागू हुआ नहीं अभी, जो सीबीआई। इसलिए प्रदर्शन है भैया, ये जो हमारे लोग मुसलमान सीएबी के लिए है। सीएबी क्या? एनआरसी लागू जो किया था। ये वीडियोस मैंने कोई हंसने के पर्पस पे नहीं डाली है कि आप ये वीडियो देखें और इसमें हंसें, इसके पीछे मकसद कुछ और है। जैसे आपने सही कहा, ये रैलिंग पॉइंट बन गई है। मुझे नहीं लगता कि आधे 90% लोग जो प्रोटेस्टर है, उन्होंने जो बिल अभी आपने दिखाया, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसके बारे में जानकारी भी नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये भावुक मुद्दा बन गया है और इस पर कई लोग जो विपक्ष है उसने भी उन्होंने भी अपनी राजनीति की है। जब 90% लोगों को ये नहीं पता कि CAA क्या है, NRC क्या है, फिर भी ये लोग सड़कों पे आ गए, जो प्रोटेस्ट करने आ गए, पत्थरबाजी करने आ गए, क्या रीज़न था? क्या इनको ऐसा बोला गया कि भी ये सड़कों पे उतरे? यार देखो, आज की लाइफ में जब इंसान इतना बिजी है, अपना कामकाज वैसे ही नहीं छोड़ना चाहता, तो उसे क्या मजबूरी आ गई कि वो सड़कों पे उतरा? उसे क्या कहना, उसे ऐसा क्या कहा गया होगा, ये सोचने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको जितना मैं कवर कर रहा हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके बारे में उनको गलत फहमियाँ उनके दिमाग में डाली जा रही हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि भाई अब मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, और ये काम कर रहे हैं इन जैसे सेलिब्रिटीज। तो फिर सर आप फिर चले जाइए, आप क्यों आगे कवर कर रहे हैं? उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या? हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी एंड पीपल व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड नॉट जस्ट इन मुंबई, इन असम, इन दिल्ली, इन बैंगलोर, इन हैदराबाद, व्हाई आर पीपल कंसर्न्ड? इन जैसे सेलिब्रिटीज को खुद नहीं पता होता कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है, वो खुद जब
प्रगति मैदान में जब ऐसे जाके वो भाषण देते हैं, कुछ बताते हैं, न्यूज रिपोर्टर उनसे कुछ पूछते हैं, जब उनको खुद नहीं पता होता, फिर सोचो उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो उन लोगों पे क्या असर पड़ रहा होगा। वो उनको देखे थे कितने सारे लोग जो प्रोटेस्ट में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये भी तो जिम्मेदार है इन लोगों को प्रोटेस्ट में उतारने के। अगर कोई जाके इनसे ये भी पूछ लेना कि सिटीजनशिप होती क्या है, सिटीजनशिप मिलती कितने कैसे है, तो इनको ये भी नहीं पता होगा। हमारे देश में सिटीजनशिप 5 प्रकार से मिलती है, बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, ये 4th जो स्टेप है, इसी के अंदर CAA आता है, इसकी बाद में बात करेंगे। और जो 5th जो स्टेप जो है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र का निगमन। अब एक एक करके बात करें, अगर आपका जन्म इस देश में हुआ है तो आप इस देश के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ एक कायदे कानून है वो उसके अंदर आते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके अंदर। दूसरा है वंश के आधार पर, यानी आपके माँ बाप हैं इस देश से तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, इसके अंदर भी कुछ एक लंबे चौड़े हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। थर्ड जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी अगर कोई चाहे तो इस देश की नागरिकता ले सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी वो पंजीकरण करा सकता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट कराने पड़ते हैं उसको, उससे नागरिकता मिल जाती है। जो ये फोर्थ होता है नेचुरलाइजेशन, इसी के अंदर CAA डाला गया है। और जो फिफ्थ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर भारत किसी भी देश से किसी भी देश के सपोज करो अगर भारत आने वाले टाइम में पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, तो पाकिस्तान के जितने भी जो लोग हैं वो उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का जो ये रिलेशन है। अब बात करते हैं फोर्थ जो है नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसे 11 साल के लिए यहाँ पे 11 साल यहाँ बिताने होंगे, तब उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। अब CAA क्या कर रहा है, कुछ माइनॉरिटी जो है इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन माइनॉरिटीज को ये छूट दे रहा है कुछ, मतलब कि इनको 5 से 6 साल ही मतलब कि यहाँ पे रहना पड़ेगा, इनको 5-6 साल की छूट दी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। और ये छूट भी तब दी जाएगी इन माइनॉरिटीज को अगर ये प्रूफ कर दें कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है, वरना अगर इनको ये भी अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इनको दूसरी कम्युनिटीज की तरह ही यहाँ पे 11 साल ही बिताने पड़ेंगे। अगर एक छोटी सी चीज यहाँ पे अगर ये चीज कर दी जा रही है कि एक छूट दी जा रही है कुछ माइनॉरिटी को, कुछ देश के माइनॉरिटीज को, तो इसमें बुरा क्या है भाई, क्या भेदभाव हो गया? लोग जो चिल्ला रहे हैं भेदभाव हो रहा है। CAA का मतलब ये नहीं कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी या सिखों को या ईसाई को या पारसी को, जो भी कम्युनिटीज है उनको नागरिकता दी जाएगी और किसी कोई व्यक्ति यहाँ पे नागरिकता नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। जो CAA है वो है बाहर के लोगों के लिए, बाहर की जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हैं उनको ही यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। जो ये 6 कम्युनिटीज हैं उनको जो छांटा गया है उनको नागरिकता इस CAA के आधार पर कुछ एक छूट उनको दी जा रही है, और कुछ उसमें इतना बड़ा बदलाव नहीं किया गया कि आप कहो कि हाँ उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है या फिर दूसरी कम्युनिटी उनको प्रायोरिटी कम दी जा रही है। ये लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा करना, ये कुछ एक सिलेक्टिव आउटरीच के जो लोग कर रहे हैं, अनपढ़ से लोग जो आ जाते हैं मुंह उठा के ऐसे भाषण देने लग जाते हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर कुछ एक खड़े होकर मुसलमान ऐसा भाषण दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है, जो भोले वाले जो लोग हैं उनको उनको भड़काने का वो काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं वो वीडियो दिखाने वाला भी नहीं हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैनल के थ्रू लोगों के अंदर भी वो ऐसे कुछ एक ऐसी दिमाग में ऐसी बीमारी पनपे, मैं वो चाहता नहीं, इसलिए ना वो वीडियो मैं यहां पे शो कर रहा हूं। और एक चीज सोचने वाली है कि ये जो हो रहा है CAA NRC को लेके जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वास्तव में इसके पीछे रीजन क्या है? लोग इसके पीछे कुछ और ही मंशा लेके ये CAA और NRC का प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। और हर देश को अधिकार है कि वो अपने नागरिकों की पहचान कर सके। 1950 में जो NRC लागू हुई थी वो एक बार हुई थी, तब से लेके आज तक एक बार भी NRC नहीं हुई। तो सोचो कितनी सारी जो हैं जो लोग बाहर से आ गए हैं, इस देश में बस गए हैं, किसी की संस्कृति वहां पे खराब कर दी गई, किसी का कल्चर वहां खराब कर दिया गया, तो कितने सारे जो लोग इस देश में आके रह रहे हैं। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि भाई वो इसमें NRC लाके इस देश से इलीगल जो लोग हैं वो उनको निकाले? तो इसमें हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देश है कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आएगा वो यहां बस जाए। अभी तक जब पूरे देश में NRC की बात सिर्फ बोली गई है, ना कि यह बोला गया कि NRC लागू होगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ना उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट के बारे में कोई जिक्र किया गया। जो भी छोटी मोटी जो बताई गई है कि इसके अंदर इतने इतने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इतना ही बताया गया, लेकिन अभी तक पूरा ऑफिशियली बात नहीं हुई है कि क्या 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 जरूरत पड़ेगी। फिर भी इसमें इसको लेकर कुछ लोग जो
है वो असम एकॉर्ड की जो एनआरसी है उसको बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 1971 से पहले जन्मे जो लोग हैं उनकी जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा। वो यार जाहिर सी बात है, असम का जो है यहाँ पे अलग सिस्टम है। 1985 में हुए समझौते के अकॉर्डिंग वहां पे तो एनआरसी 1971 के तहत ही लिखी जाएगी, क्योंकि वो बांग्लादेश से लोग वो तभी आए थे, तभी पहचान हो सकेगी। तो इसके ऊपर कोई हवा नहीं बन सकता भाई। और ये जो बार बार लोग बोल रहे हैं कि संविधान की आत्मा को कुचल दिया गया, एक बार ये जाके एक बार खुद आर्टिकल पढ़ लो। आर्टिकल 11 खुद पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो चाहे तो सिटीजनशिप को लेके कोई प्रावधान बना सकती है। तो इसमें ये तो कह नहीं सकते कि इसमें किसी भी धर्म को लेके या फिर कुछ इसमें भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा कुछ भेदभाव इसमें नहीं किया गया है। फिर वो आर्टिकल 14 की बात उठाते हैं, अरे वो आर्टिकल 14 जो है वो देश के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों का हमने ठेका नहीं उठा रखा कि बाहर के लोगों को भी आर्टिकल 14 के तहत वहां लेके आए। इस देश के लोगों के लिए है कि हर कोई इस देश में कानून के समक्ष समान है। मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो करो यार, तुम्हारी खुद की आजादी है, कर सकते हो। लेकिन किसी ने कोई हक नहीं दिया तुम लोगों को कि भी जाके तुम वॉयलेंस क्रिएट करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, पुलिस पे हाथ उठाओ। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया, ठीक है ना। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, समझ में आई, कि भी तुम जाके इस देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, देश की पुलिस को तुम वहां पे उसके ऊपर पथराव करोगे, पेट्रोल बम तक वहां पे फेंकोगे। किसी ने तुम्हें हक नहीं दिया। और ये जो पॉलिटिक्स जो है इसके ऊपर खेली जा रही है ना, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि पुलिस ने ही जाके वहां पे आग लगा दी गई। अभी हाल फिलहाल में जो एक उत्तर प्रदेश का जो बयान आ रहा है यहां पे कि भाई पुलिस ही जो थी, इन्होंने खुद जाके दर्जनों व्हीकल जो जला दिए। ये कितनी गंदगी यहां पे खुद मचा रहे हैं। खुद लोगों को समझनी चाहिए कि कितना सेंसिटिव इशू है। वो देश को वो खुद धर्म पे बांटने की वो कोशिश कर रहे हैं। अरे कितनी वीडियो बना बना के डालें कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी ये बात पल्ले नहीं पड़ रही लोगों के कि भाई ये जो CAA है ये सिर्फ देश के लोगों के लिए, ये देश के लोगों के लिए नहीं है, ये बाहर के लोगों के लिए। इतनी सी बात उनको समझ नहीं आ रही, मुंह उठा के लोग प्रोटेस्ट में आ जाते हैं बिना नॉलेज के। उनको खुद आधी अधूरी जानकारी वो लेके आते हैं। अरे खतरनाक होती है आधी अधूरी जानकारी। पहले तो अपनी पूरी जानकारी कलेक्ट करो कि हाँ इसके अंदर हो क्या रहा है, फिर जाके प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा लो।